आप सभी को पता होगा मोदी जी अभी कारगिल दिवस में आए थे और उस दिवस में आने के बाद स्पीच दिए थे पहली बार अग्निवीर स्कीम के बारे में, जिन्होंने उनकी चार मुद्दा था। पहला था कि सेना का ये स्कीम है, मेरा कोई स्कीम नहीं है, उस बात को मैं यहाँ पर फेक साबित करने वाला हूँ। जो दूसरा है यूथफुलनेस, इसको भी मैं फेक साबित करने वाला हूँ। तीसरा है पेंशन इज़ नॉट ए इशू, जैसे उन्होंने बोला कि पेंशन इशू नहीं है, वहाँ पर जो राहुल गांधी है या अपोजिशन पार्टी है वो पेंशन को लेकर बहुत बड़ा हल्ला कर रहा है, जबकि मेरे को पेंशन नहीं मिलेगा, इसके बारे में बात करूँगा, ये भी फेक करार दूंगा। चौथी 140 करोड़ लोगों की जो रक्षा है उसके बारे में भी बात करूँगा, और साथ में लास्ट में बात करूँगा रिजर्वेशन सिस्टम, अग्निवीर को लेकर जो रिजर्वेशन सिस्टम उन्होंने प्रोवाइड किया है उसके बारे में भी मैं आपको बात करूँगा। तो पहले मैं वो वीडियो क्लिप अगर आपने देखा नहीं शायद देख लिया होगा। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है, अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। भारत के सैनिकों की औसत आयु एवरेज एज ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। आई होप आपने वीडियो देख लिया है। तो इस वीडियो का बनाने का मतलब बिल्कुल नहीं कि मोदी जी को मैं टारगेट कर रहा हूँ या फिर बीजेपी को टारगेट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ झूठ को टारगेट कर रहा हूँ जो कि एक फालतू का न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है सेना का स्कीम है। देखिए आपने जो 4-स्टार रैंक की बुक पढ़ा होगा जनरल MM नरवा ने, गूगल कर लीजिए, अभी गूगल कर लीजिए, वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो बुक था उसमें क्लियरली मेंशन था पहले ये प्रस्ताव लाया गया था टूर ऑफ ड्यूटी के नाम पे। सीधा मैं सही जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट के आधार पे बोल रहा हूँ कि सेना जो टूर ऑफ ड्यूटी के नाम पे आ रहा है, इसका बाद में नाम चेंज करके अग्निवीर है। उस स्कीम के दौरान सेना ने ये बोला था कि हम 75% को रिटेन करेंगे और 25% को आउट कर देंगे। आपने भी काफ़ी न्यूज़ सुना होगा और ये बिल्कुल सही है, उनकी बुक में एक क्लेम है। तो 75% को इन्होंने रिटेन करना था, मतलब
होने के बाद कोई पेंशन नहीं आपकी फैमिली को, तो ये सब चीज़ें मुझे गलत लगा। अब मैं अपोजिशन में बैठा था, मैं उस टाइम रूलिंग पार्टी था, तो मेरे को ये गलत लगा, इसलिए मैं आगे नहीं फॉरवर्ड किया। अब तुम पार्टी में आए, तुम्हें लगता है ये गलत है, फिर भी उसको उठा रहे हो, तो वो गलत है ना, गलत चीज़ को गलत ही बोलेंगे ना। अभी उन लोगों ने उस टाइम अगर प्लान चला भी था, चलो मान भी लेते मोदी जी की बात कि प्लान चला था, ठीक है प्लान चला था, लेकिन प्लान के बाद वो कामयाब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको लगा कि फील हुआ कि ये गलत है जवान के प्रति, ये ठीक नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। चार साल में वो इंटेंट, वो एक्साइटमेंट, वो देश भावना क्रिएट नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने बंद कर दिया उस टाइम, आगे नहीं चला। अब तुम आ गए तो तुम बोल रहे हो कि हम लेके आए, अरे कोई अच्छा चीज़ लेके आओ तो उसमें छाती में ऐसे थप्पड़ मार के बोल सकते हो अच्छा चीज़ लेके आए, एक तो ख़राब चीज़ लेके आए, और ऊपर से बोल रहे हो उन लोग लेके नहीं आए हम लेके आ गए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी अच्छी चीज़ नहीं किया, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो ख़राब चीज़ है उसको अच्छा बोलने का क्या मतलब है, ठीक है। यूथफुलनेस पैक, ठीक है। उसके बाद पेंशन इज ए नोटिस, ओके। मोदी जी अपने भाषण में क्लियर बोलते हैं कि मैं अभी 75 साल का हूँ, जिसको भी
जी के भाषण से आपको क्या समझ में आया था पहले, और ये वीडियो देखने के बाद क्या समझ में आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।